अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और जो सबसे पहला हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, पहले हम ऑलरेडी एक्टिव वॉइस कर चुके हैं। अभी हमने वो जो लास्ट वीडियोस आपने देखी हुई हैं टेंसेज की, वो तमाम के तमाम टेंसेज जो हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में हैं। अभी हमने उन तमाम टेंसेज को, उन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब लिखने का सिर्फ क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर आप पहली दो वीडियोस देख चुके हैं जो कि मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में लिखी हुई हैं, जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने जनरल चेंजेस के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक फोर चेंजेस हैं वो क्या हैं, तो वो मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। आप वो देख सकते हैं और उनको समझ भी सकते हैं। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि कोई भी टेंस होगा उसके जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने सब्जेक्ट बना देना है और जो सब्जेक्ट है उसको आपने ऑब्जेक्ट बना देना है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। कोई भी टेंस है, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई भी टेंस है तो आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसलिए फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच जाती है वो हेल्पिंग वर्ब ही रह जाता है। मीन टू से कि ये एक हेल्पिंग वर्ब ही है जो एक टेंस को दूसरे टेंस से डिफ्रेंशिएट करेगा। अदरवाइज फॉर्म ऑफ वर्ब तो सब में सेम, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही लगनी है, भले वो कोई भी टेंस है। तो इसलिए मैंने ये हेल्पिंग वर्ब अलहदा लिखा हुआ है और सेंटेंस स्ट्रक्चर अलहदा लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में आपको पता ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। बेसिकली यहाँ पे आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये जो मैंने सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं। तो जब भी आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपने सबसे पहले आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि जब हम एक्टिव वॉइस कर रहे होते हैं टेंसेस में, जब हम कर रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब आता था, लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं इस टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज, एम और आर। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक्टिव वॉइस में जो हम ऑलरेडी टेंसेस कर चुके हैं उसमें इज एम आर जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं इज एम आर। ये मैं आपको पहले टेंसेस की वीडियोज में बता चुका हूँ कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज, आई के साथ एम, और अगर आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आर, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब हम मूव करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा जी, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें ये जो मैंने तीनों हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इज, एम और आर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसके बाद बाय आएगा और एंड पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इनकी कन्वर्जन्स आपने पहले कर लेनी है, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल होगा। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ही राइट्स अ लेटर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले हमने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है अ लेटर, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, अ लेटर। अब देखें, जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, अब इसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसके साथ इज लगेगा। अ लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज रिटन बाय ही, ही का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, हिम।
तो ये हमने एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का उसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, शी डज नॉट कुक मील। तो ये ऐसे होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, मील। अब इसके अकॉर्डिंगली क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज आएगा, मील इज। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो इसके बाद नॉट भी लगेगा, मील इज नॉट कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, मील इज नॉट कुक्ड बाय शी की ऑब्जेक्टिव केस जो है हर। थर्ड एग्जाम्पल, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने मिक्स करके ये सारे सेंटेंसेस दे दिए हैं ताकि एक ही वीडियो में हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को कवर कर सकें। इसमें सिंपल सेंटेंसेस भी हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली वाले भी। तो डू दे प्ले क्रिकेट, अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा इज, इज उसके बाद क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है तो यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज क्रिकेट प्लेड बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अगर एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है या सिंपल सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में भी सेम वही सेंटेंस रहेगा। अब आगे देखें, ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, डज अली नॉट लाइक मैंगोज, तो इसमें मैंगोज के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर मैंगोज। अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया तो इसके बाद नॉट आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, आर मैंगोज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर मैंगोज नॉट लाइक्ड बाय अली, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो देखा जो एक्टिव वॉइस में था मैंने सेम वही इसका रखा है, यानी कि यहाँ पे ये इंटरोगेटिव भी था और नेगेटिव भी, तो पैसिव वॉइस में मैंने कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने नेगेटिव भी रखा है और इंटरोगेटिव भी रखा है। नेक्स्ट है जी डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड, वेयर डू यू सेल बुक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें रहेगा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ही, सिंपली हमने डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देना है। तो इसमें जो डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड है वेयर वो पहले ही रहेगा और बाकी हमने इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देना है। अब देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बुक्स है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, बुक्स प्लूरल फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंगली आर आएगा, वेयर आर बुक्स, सेल की थर्ड फॉर्म, सोल्ड बाय यू, यू योर यू, यू की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू ही है, एंड पे क्वेश्चन मार्क, वे आर बुक्स सोल्ड बाय यू। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हु, ये भी डब्ल्यूएच फैमिली वाला वर्ड है तो स्टूडेंट्स ये आपने खास ख्याल रखना है, अगर हु आ जाए तो इसको हमने बाय होम में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हु ही सेंटेंस के स्टार्ट में रहेगा उसके बाद इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के तौर पे कन्वर्ट कर देंगे, नो इसकी चेंज थोड़ी सी डिफरेंट है। जिस तरह है हु लव्स एट मी, तो हु को हम कन्वर्ट करेंगे बाय होम में। देखिए मैंने हु को बाय होम में कन्वर्ट कर दिया, अब ये जो बाय ऑब्जेक्ट से पहले आता था वहां पे नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी लगा दिया, बाय होम आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब देखिए इसमें आई है और सॉरी मी इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो आई होगा तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पे एम आएगा, बाय होम एम आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपने नहीं भूलना, बाय होम एम आई लव्ड एट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस।
नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।